हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं वरामिका अजय मिश्रा। हरियाणा न्यूज पर आप लगातार बजट पर विश्लेषण देख रहे हैं, विस्तृत चर्चा देख रहे हैं। बहुत ही शानदार पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर पैनल से मिलवाती हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बी एस दहिया है, हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है दहिया साहब आपका। मैं स्वागत करती हूँ अनुराग बख्शी का, प्रवक्ता बीजेपी। बख्शी साहब बहुत स्वागत है आपका भी। तेजवीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर सुभाष सप्रा, शिक्षाविद हैं सर आप, आपका भी बेहद स्वागत है यहाँ पर। दिनेश देसवाल सीए सर, एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। दो और मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जो स्टूडियो में नहीं है लेकिन पैनल का हिस्सा है। राजेश लाठर, आप किसान नेता है, बहुत स्वागत है। वेणु अग्रवाल, आप कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी पर आ जाऊंगी। सबसे आखिर में कांग्रेस को मिला है तो क्यों ना कांग्रेस की प्रतिक्रिया से ही शुरू कर ली जाए। कांग्रेस सांसद अनुराग बख्शी जी, आपके लिए सवाल है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह कहा कि इस सरकार के जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया, इस बजट ने मुझे एक ऐसा वाक्य याद दिला दिया कि जैसे किसी गैराज में एक मैकेनिक अपने उपभोक्ता से, अपने ग्राहक से यह कह रहा है कि मैं आपका ब्रेक ठीक नहीं कर पाया इसलिए मैंने हॉर्न की आवाज बढ़ा दी है। देखिए, शशि थरूर जी क्या कहते हैं उसकी जानकारी पूरे देश को रहती है, किस तरह के बयान उनके समय समय पर आते रहते हैं। और वो ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो जनता का विश्वास खो चुकी है, जनादेश खो चुकी है। और जहां तक इस बजट की बात है तो मेरे ख्याल में चुनौती काल में इससे बढ़िया बजट ना तो कोई पेश कर सकता था, क्योंकि ये 100 सालों में एक कोरोना का काल हम लोग देख रहे हैं, कोरोना का क्राइसिस देख रहे हैं। तो ऐसे चुनौती में चुनौती भरे निर्णय लेने पड़ते हैं और इस बजट में वो निर्णय आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि संपत्ति अगर आपने आवंटन करना है तो पहले संपत्ति सृजन करना होगा। पैसा आपके हाथ में होगा तभी तो आप लोगों की जेबों में पहुंचा पाएंगे। तो ये बजट उसी दिशा में, आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर पर तो चलो बहुत पैसा दे दिया, 2,23,000 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिए, लेकिन आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए खर्चे का प्रावधान है। उससे रेल नेटवर्क बढ़ेगा, उससे हाईवेज बनेंगे, उससे एयरपोर्ट बनेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। सर, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया आपने? आप मतलब मुद्रा लोन की बात वहां करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है तो नौकरियां मिल जाएंगी, उसकी बात आप अभी कर रहे हैं, या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ है? देखिए, जब इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी देश में, और जो बढ़ रही है, मैंने अभी भी पहले कहा कि पिछले 3 महीनों में जीएसटी की कलेक्शन लगातार बढ़ी है, 1,00,000 करोड़ से ऊपर हर महीने कलेक्शन हो रहा है, तो वो अपने आप में एक प्रमाण है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रिवाइवल। ये वी शेप रिकवरी की आप लोग बात कर रहे हैं, ये कैसे, ये मतलब जब होगा तब होगा, जैसे आपने कहा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आएगा रोजगार? देखिए, वी शेप रिकवरी की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि लगभग हर क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि जो है वो तेजी की ओर है, और पूरी दुनिया में इस समय, मैं नहीं कह रहा, अभी आईएमएफ चीफ के थोड़े दिन पहले बयान आया है कि भारत जो है वो सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अगले 4-5 सालों में इसी गति से बढ़ने वाली है। चलिए, हो जाए तो अच्छा है। वेणु अग्रवाल से मैं एक रिएक्शन लेने के बाद मैं आती हूँ आपके पास। दिनेश जी, इन्होंने कोरोना का जो जिक्र किया, कोरोना काल के जो संकट के समय का जो जिक्र किया, उस पर दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगी। वेणु जी, प्रतिक्रिया। ये जो बात करते हैं हमारे, बिल्कुल बीजेपी की सेम लैंग्वेज है, चाहे कोई हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई कार्यकर्ता हो या किसी भी पोस्ट पर हो, कि बढ़ेंगे, करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन आप दिखा कुछ नहीं रहे, आप जनता को दे कुछ नहीं रहे। 6 साल आपको दे दिए हैं जनता ने, और जैसा आपने कहा कि ऐसी पार्टी जिसका जनाधार खो गया है, अरे जनता ने आपके ऊपर विश्वास जतलाया, आपको लेकर आए, पर आपने क्या दिया जनता को? केवल धोखा, केवल झूठ। और देखिए देखिए, आप बजट पर मैं आती हूँ, बजट पर आती हूँ कि केवल ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शंस को देखते हुए ये लोग बजट, आप देखिए इन्होंने टी वर्कर्स के लिए बहुत राहत दी, नहीं वो किया, भेदभाव की राजनीति करते हैं ये लोग, नफरत की राजनीति करते हैं, और वो बात इनकी बातों से साफ साफ है, चाहे कोई भी इनका कार्यकर्ता हो। ठीक है, आप इलेक्शंस का जब वो जिक्र करते हैं तो इस चीज को कितना समझते हैं, जानने के लिए आपके पास आऊंगी। चूंकि बजट में बहुत कुछ ऐसा है जो दिया गया है उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर विपक्ष का सवाल, जिसका जवाब बख्शी साहब मैं आपसे लूंगी। दिनेश जायसवाल जी, सवाल छूट जाएगा इसलिए आपके पास आ रही हूं। इन्होंने कहा कोरोना संकट से हमने उभारने के लिए अब वी शेप रिकवरी दी है, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? क्या ये बजट वो वैक्सीन है जो कोरोना के संकट से हमें निकाल देगा?
देखिए अनिमेगा जी, इसमें जो कोविड में जो वी शेप रिकवरी जो की बात है, वो जब एक इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, एक नीचे हो गई, उससे ऊपर जाएगी, तो वो उसको ग्रोथ नहीं कह सकते, उसको रिकवरी कह सकते हैं। तो जो लॉकडाउन में जो सब कुछ मतलब रुक गया था, वो उससे मतलब रिकवर कह सकते, वो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अभी 7 point something की माइनस है, और उससे देखे 11% यदि उस पर देखोगे तो वो मैं उसको ग्रोथ नहीं कह पाऊंगा। कुछ लेवल तक वो रिकवरी है, हाँ, जो पहले ग्रोथ चलती आ रही थी तो उसी लेवल पे वो ग्रोथ इस ईयर में आ जाए तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन जो इकोनॉमी के लिए जो होना चाहिए, विशेषकर इस कंडीशन में जब लॉकडाउन में सब कुछ जाम है, बिजनेस बंद है, कुछ बिजनेस तो रिकवर कर ही नहीं पा रहे, तो उस फेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए थी कि टैक्स सेविंग हो, सेविंग करें लोग, इन्वेस्ट करें, टैक्स की सेविंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगे, तो कुछ इस तरह की मूवमेंट की ज्यादा जरूरत थी, जो इस बजट में हम नहीं देख पाए। तो इसमें आप एक कुछ चीजें उन्होंने सुधार जरूर किए हैं, लेकिन जो आम आदमी के जेब में कैसा पैसा ज्यादा आए, एमएसएमई के जेब में पैसा ज्यादा कैसे रहे, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो, वो एक बिजनेस लेवल पे नहीं है। वो हालांकि बैंकिंग लेवल पे जरूर किया है कि एसेट्स की मोनेटाइजेशन हो जाएगी, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएंगी, वो उस लेवल पे एक मतलब ऊपर लेवल पे जरूर सुधार की बात की गई है, लेकिन एमएसएमई लेवल पे उस तरह के सुधार की जिस तरह से आशा की गई थी, उस तरह का बजट में देखने को नहीं मिला। ठीक है, प्रोफेसर साहब आप अपनी बात रख रहे थे। अभी लगता है ये जो वी शेप की जो चर्चा हो रही है, ये इन्होंने आईएमएफ से शब्द चुरा लिया है। वी शेप मीन भाई जितनी स्पीड से इकोनॉमी ध्वस्त हुई है उतनी स्पीड से हम बढ़ाएंगे, ये गवर्नमेंट ये नारा लगा रही है। वैसे तो यू शेप भी होती है, यू शेप मीन धीरे धीरे कमाना और धीरे धीरे ऊपर जाना। एक एल शेप भी होती है, जो नीचे आती है और वो स्टेबल हो जाती है। बट ये इन्होंने आईएमएफ का शब्द चुरा लिया है और वो वही भाषा बोल रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ा देंगे। 11% इन्होंने ग्रोथ रेट रखा है, जहां बेरोजगारी है, जहां पे महंगाई देखो, आज 4 रुपए डीजल बढ़ा दी और 2.5 रुपए पेट्रोल, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों के पास काम धंधा है नहीं, इनकम है नहीं, बिजनेस बंद पड़े हैं, कोरोना की मार है, उस पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अब ये वी शेप का वैसे नारा लगा देना, भाई थोड़ी सी वाहवा भाई लूट ली जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतना तेजी से वो वी शेप नहीं चलने वाला। थैंक यू बख्शी जी। देखिए, अगर एक कोरोना काल आ गया, वैश्विक महामारी आ गई, तो निश्चित रूप से भारत ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगा और हमारा अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जिस गति से हम उस नुकसान से उबर कर आए हैं, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, और वो एक प्रभावी सरकार और प्रभावी नेतृत्व के कारण ही संभव है। आम आदमी के लिए राहत की हम बार बार बात कर रहे हैं, 13 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस सरकार ने दिए हैं, 8 करोड़ महिलाओं को, बहनों को रसोई गैस के कनेक्शन मुफ्त दिए हैं, 40 करोड़ से ज्यादा जनधन के खाते खोले गए हैं, ठीक है, हाँ। और अब हम हाईवेज और रोडवेज और रेल की बात कर रहे हैं, रेल विस्तार की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था। अब आप खुद देख लीजिए, इसी बजट में 4 लाख करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होंगे और 2 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिवाइवल होगा और निश्चित रूप से रोजगार भी सृजन होगा और लोगों की आय भी बढ़ेगी। तेजवीर सिंह जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस बजट को लेकर? देखिए मैडम, बजट में हेल्थ पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है और कोविड की महामारी तो हम सब लोग जानते ही हैं कैसे हुआ। हमारे घर का भी बजट अगर बिगड़ जाता है तो उसको भी सुधारने में काफी देर लगती है, तो पूरे देश का बजट है 1 अरब 32 करोड़ जनता का बजट है, तो पूरे देश के बजट में सुधारने में टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तो आप खुश हैं जो निर्मला सीतारमण ने जब ऐलान किया आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का, बिल्कुल, बिल्कुल, आप उससे खुश हैं? खुश उससे है, बदलाव आएगा, तब्दीली आएंगी, बिल्कुल, रोड का, हेल्थ का और स्कूल लीज वगैरह है, बैंकों का मतलब जो है जो घाटा है उसका भी इन्होंने ख्याल रखा है, सिंचाई के लिए भी अच्छा किया है, तो और सीनियर सिटीजन का भी बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है इन्होंने जो 75 का हुआ, मुझे लगता है कुल मिला के ठीक बजट है। ठीक है सर, क्या आप डॉक्टर बीएस दहिया जी इस बजट को एक रियलिस्टिक बजट कहेंगे? वेल, आई एम नॉट एन
इकोनॉमिक एक्सपर्ट अदरवाइज, बट बेसिकली सम टोटल देखा जाए तो वेल बजट इज डिसअपॉइंटिंग. कोई इसमें कोई खास विशेष बात नहीं है. देयर इज नथिंग टू बी सेटिस्फाइड विद द बजट. जैसे यस और रिसेंट व्हाट एवर जो ये ऊपर से हैमर किया है जो 4.5 का, ये तो डिवेस्टिंग है. इसमें से एग्रीकल्चर लगा लो, एवरीथिंग, इकोनॉमी विल बी डेफिनेटली डिस्टेबलाइज्ड बाय दिस. ये तो सबसे ज्यादा ये हर सेक्टर को बीट एनी ने. प्लस फॉर एग्जाम्पल इन माई डिपार्टमेंट नथिंग, ओनली बजट हैज बीन अलॉटेड. व्हाट अबाउट द क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट? कोरोना आ गया, इतना बात आ गया, भाई नई पोस्टें नए नया क्या कर, तो उसमें कितना एक्सपेंशन डिपार्टमेंट का करना है, वो मैन पावर कितनी बढ़ानी, वो नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं है. अगर यू हैव टू एड मोर थिंग्स, तो महज पैसा, अकेला पैसा पैसा इज नॉट गुड एनफ. क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, न्यू इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दैट, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स. दैट फ्रॉम इन दैट वे बजट इज नॉट इतना. इसमें ठीक है दे में भी थोड़ा बहुत इसमें होगा, पर जान नहीं है इस बजट में, जान नहीं है इस बजट में. और एक थीम जो डॉक्टर बी एस दहिया 2021 के बजट में हमने देखा था ईज ऑफ लिविंग का, इसका कोई थीम आपको समझ में आ रहा है? इट्स ऑल कंफ्यूजिंग. बख्शी साहब देखिए, सरकार ना केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, जिसमें हमने पिछले 5 सालों में कितना हियर डोंट अप्रिशिएट, एवरीबडी नोज. नीचे से लेकर प्रधानमंत्री की प्रशंसा यहाँ. मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था कि वो थीम आपकी 2021 के लिए थी, 2021-22 के लिए ईज ऑफ लिविंग से आगे क्या प्रशंसा कर रहे हैं? ईज ऑफ लिविंग आगे क्या, इस बार का थीम क्या? थीम यही है कि देश के गांव, गरीब और किसान और मजदूर की पूरा ध्यान रखेगी सरकार. किसान तो बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, बैठे रहे सड़क पर, वो तो राजनीति आंदोलन बैठे रहे सड़क पर. सर किसी बात नहीं, आप सबका साथ सबका विकास वाले लोग, वो बैठे रहे सड़क पर. राजनीति से प्रेरित आंदोलन है किसानों के लिए, तो सरकार. तो फिर आप वार्ताएं करके क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फिर आप वार्ताएं क्यों करें जब आपको सब पता ही है, आप ही सब पहले से तय करके बैठे हैं. सरकार फिर भी कहती है कि अगर आपको कोई संशय है, आपको आप कह रहे हैं कि बैठे हैं तो बैठे रहे. पीएम कह रहे हैं कि मैं एक फोन दूर हूँ. मैंने ये कहा कि वो राजेश लाठर राजनीति से प्रेरित है. राजेश लाठर, मैं सोच ही रही थी कब आऊं, प्रतिक्रिया दीजिए. राजेश लाठर सुन रहे हैं तो बोलिए. किसान बैठे हैं तो बैठे रहे, राजनीति से प्रेरित आंदोलन है. दोबारा से यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता अनुराग बख्शी बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं कि किसान बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर तो बैठे रहे, वो राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, किसानों का कोई नुकसान नहीं. देखिए, किसानों का सबसे बड़ा नुकसान तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में हमारे ऊपर सारे देश पर एक तरह से इमरजेंसी थोप दी थी कि आप लोग घरों से बाहर मत निकलिए, और फिर उन्होंने कहा कि एक महीने बाद कहते हैं कि आपदा का अवसर उठाइए. उसी आपदा का अवसर उठाने के लिए इन्होंने जो पिछले साल फरवरी में 60 रुपए डीजल था उसको आज 80 रुपए कर दिया इन्होंने, 4 रुपए और टैक्स लगा के. और उसमें कोरोना काल में ही इन्होंने उस सबको घरों में डर दिखा के दबका के एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जो कि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो. खेती के क्षेत्र में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से एक अध्यादेश लाना पड़ा, बैकडोर से इन तीन काले कानूनों को लाया गया. और फिर ये हमें कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित लोग अगर बैठे हैं यहाँ पर. हमने तो जो इन्होंने तीन काले कानून लाए उसकी एक एक कमियां कृषि मंत्री को मीटिंग्स के अंदर गिनवाई है, उन्होंने स्वीकार किया है. वो पहले दिन कहते थे कि इनमें कोई कमी नहीं है, अब उन्होंने 18 चीजों में संशोधन को मान लिया है. 1.5 साल तक वो होल्ड करने के लिए तैयार भी हो गए. अगर ये किसान नहीं बैठे हैं, विपक्षी बैठे हैं, तो ये क्यों सरकार बातचीत कर रही है? अनुराग बख्शी जवाब देखिए, ये तो सिर्फ एक इनका बरगलाने का, ध्यान भटकाने का. चलिए ठीक है, सुन लीजिए, आ जाऊंगी फिर. बहुत लंबा पैनल है, सबके पास बारी बारी जाना है. हाँ बोलिए. कानून बोला जाता है, जो भी किसानों की कोई शंका था, वो संदेह था, इसीलिए सरकार ने संवाद की बात की, इसलिए कृषि मंत्री ने बार बार किसानों के साथ बातचीत की. 8 या 9 दौर की बातचीत हुई, और फिर भी सरकार ने कहा कि 11 दौर की बातचीत हुई. सरकार आज भी कह रही है कि हम संवाद के लिए तैयार हैं. आपकी बात, आपका और कोई संशय हो, कोई और संदेह हो, उसके समाधान के लिए तैयार हैं. आपकी चिंताओं को
पर सर ऐसे ऐसी बातों के साथ ही बैठे हैं तो बैठे रहे, पॉलिटिकल है सब कुछ, बैठे हैं तो बैठे रहे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये क्या बात होती है? बैठने की बात नहीं हो रही है, बैठने तो मैंने उस संदर्भ में कहा कि अगर कोई राजनीति से प्रेरित लोग बैठे हैं तो अपना काम करते रहेंगे, उनको राजनीति अगर करनी है किसानों पर तो करते रहेंगे, लेकिन किसानों की चिंताएं निर्मूल है, कौन से राजनीतिज्ञ खत्म होने वाली है, ना मंडी खत्म होने वाली है। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि एमएसपी पे खाली कागजी भुगतान होता है, मेरे पास अभी आंकड़े मैंने भी देखे, 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए की खरीद की थी, 2019 में सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीद की, और 2021 में 75,000 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीद की बात की गई। तो ये एमएसपी पे भुगतान नहीं हो रहा तो किस पर हो रहा? वेणु अग्रवाल जवाब। जी देखिए, ये तो इनकी संवेदनहीनता आप देख ही रहे हैं, अहंकार की कुर्सी पर बैठते हैं और बात करते हैं कि वो बैठे हैं तो बैठे रहें। ये हमें अब बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि क्या ये लोग कृषि क्षेत्र के लिए कर सकते हैं और क्या इन्होंने किया। और जहां तक आज के हमारे बजट की बात चल रही है कि आप ये बताइए कि आप आम आदमी के लिए क्या लेकर आए हैं? पेट्रोल डीजल को इतना महंगा कर दिया है इन्होंने, तो जिसमें हर चीज के रेट जब इतने हाई हो जाएंगे तो आप ये बताइए कि कहां पर किसको ये लाभ दे पाएंगे? टैक्स दर की बात कर लीजिए आप, अभी जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल इन्होंने नजरिया रखते हुए इन्होंने भेदभाव की राजनीति की, भेदभाव वाला बजट लेकर आए हैं, केवल लीपापोती की है पिछले बजट पर, और मैडम हमारी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गई हैं बजट को रीड करने में, लेकिन हम ये बताइए कि आम आदमी के लिए आप हेल्थ सेक्टर में आपको कितना एनकरेजमेंट दिया आपने, इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी एनकरेजमेंट दी आपने, कोरोना टाइम में बड़े बड़े अस्पतालों ने करोड़ों रुपया मुनाफा कमाया, सबने अपनी जेब से, गरीब आदमी ने अपनी जेब से पैसा लगाया, जिसकी नौकरी चली गई, जिसके पास जिसका बच्चा बीमार हो गया, लेकिन हमें बहुत दुर्भाग्यपूर्णता से कहना पड़ रहा है उसको जो टाइम परेड मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, वो उसको ना मिल सकी। तेजवीर सिंह जी हेल्थ सेक्टर लेकर तो आप बहुत खुश नजर आ रहे थे। अरे मैडम, दर्द होता है जब हम इनकी इस तरह की बातें सुनते हैं कि ये लोग केवल केवल और केवल घोषणाएं करने के लिए, अब रिपीट हो रहा है तौर पर, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। देखिए मैडम, मैं बजट की बात कर रहा था, हेल्थ सेक्टर में कोरोना काल में भी सरकार ने अच्छा काम किया है, थोड़ी बहुत एनामलीज रहती हैं, ऐसा नहीं है सरकार हर एक जगह मॉनिटरिंग नहीं कर पाती, प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया है, ये बात मैं मानता हूँ। और बाकी जो बजट अभी दिया है तो हेल्थ सेक्टर के लिए जितना बजट दिया है वो कोरोना को देखते हुए दिया है, और लोगों की परेशानी को देखते दिया है, उनकी बीमारियों के लिए देखता है, आयुष्मान भारत जो दिया है वो इन्होंने दिया है, तो उसमें गरीब आदमी जो है अपना इलाज करा सकता है। डॉक्टर बी एस दहिया, फिर आपको ये नाकाफी क्यों लगा? नहीं, मैं ये कहता हूँ व्हाई देर जो वो इंश्योरेंस कराए, अरे आप अपग्रेड योर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट की क्या है ना, वहां को इंश्योरेंस की जरूरत है ना और कोई जरूरत है, जरूरी है कि हर जगह प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे? व्हाई वी हैड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द पास्ट, व्हाई वी शुड नॉट डिपेंड, हम अपने अस्पतालों में क्यों ना विश्वास करें, क्यों ना अच्छे डॉक्टर्स हम ट्रेन करें, क्यों ना पैरामेडिकल्स अच्छे लें? मेयर आप जाइए, प्राइवेट में जाइए, वहां पर बहुत बड़े बड़े एयर कंडीशन है, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दोज हॉस्पिटल्स। बिल्कुल, और प्राइवेट इंडियन कैनॉट अफोर्ड दैट वे। प्राइवेट सेक्टर्स का इन्होंने जिक्र किया तो मुझे सीपीएम का एक बड़ा हमला याद आ गया, जब लेफ्ट नेता मोहम्मद सलीम अली ने कहा कि बजट में रेल, बैंक, बीमा, रक्षा और स्टील सब कुछ बेचने जा रही है सरकार, ये बजट है या ओएलएक्स? अनुराग बख्शी, नहीं मैंने उनका बयान देखा नहीं है कि क्या कह रहे हैं, मैं बता रही हूँ वो बजट के संदर्भ में कह रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि ये बजट है कि ओएलएक्स, बता दीजिए, सब बेच रहे हैं आप। केवल डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो चिन्हित संस्थाएं होती हैं उन्हीं की सेल की बात होती है सरकार में, डिसइन्वेस्टमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू को इकट्ठा करने का एक बड़ा रेल, बैंक, बीमा, रक्षा, स्टील। अगर रेल, बैंक, देखिए अगर रेलवे में कोई निजीकरण की बात होती है तो वो रेलवे को बेहतर बनाने के लिए, रेलवे की सुविधाओं को, यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बात होती है। बैंकों के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो सरकार ने खुद मर्जर किया है कि ताकि उनको और अच्छे तरीके से उनको मैनेज किया जा सके, तो ना तो कोई बैंकों की बिक्री की बात है ना रेल की बिक्री की बात है। अगर बात है तो केवल डिसइन्वेस्टमेंट की, एयर इंडिया, बीपीसीएल की सेल की बात है जो पहले से
तैयार हैं कि दिनेश देसवाल दूसरे हाथों में दिनेश देसवाल जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात चल रही है विनिवेश की, वैसे जो बीजेपी ने जो कदम उठाया है वो वैसा ही हर सरकार करती है। जो सेक्टर नीचे होता है उस सेक्टर में अपना पैसा इन्फ्यूज करके उसको ऊपर उठाते हैं, जब एक बार ऊपर आ जाता है तो अपना पैसा हायर पे निकाल के फिर पब्लिक में खर्च करते हैं, तो वो वैसे बिल्कुल ठीक है। इंश्योरेंस में जो किया 74% तक डिसइन्वेस्टमेंट अलाउ किया है, इससे वार का पैसा आएगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और जो पैसा यहाँ से निकल के वो पब्लिक वेलफेयर में खर्च होगा जैसे हेल्थ जैसे सेक्टर में। लेकिन दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा जो अभी जो फाइनेंशियल्स में जो और भी किया है उसमें भी यही किया है। अभी जो आप बता रहे थे स्टॉक मार्केट भी क्यों बढ़ी है, स्टॉक मार्केट भी इसीलिए बढ़ी है जो एफआईआई के जो नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं ताकि यहाँ फाइनेंस लग सके। गवर्नमेंट की इंटेंट ये नहीं है कि यहाँ पे ओनरशिप फॉरन की हो जाए, इसलिए ओनरशिप इंडिया के पास रिटेन करना चाह रहे हैं। रेजिडेंट के नॉर्म्स को वैसे ही रखा गया है ताकि पैसा बाहर से आए, यहाँ कम रेट पे पैसा अवेलेबल हो और उससे ग्रोथ हो, वो बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो मैं आपको कहूंगा, बीजेपी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं जो कि पहले की गवर्नमेंट नहीं कर पाई, मैं उसके लिए बड़ा उनकी सराहना करता हूं। लेकिन अभी जो एमएसपी की जो बात आप कह रहे थे उसलिए मैं एक पॉइंट उस पर भी ऐड करना चाहूंगा। जो गवर्नमेंट ने जो सीतारमन जी अभी जो एनालिसिस कर रही थी 13-14 to 19-20 जो कंपेरिजन करके बता रहे थे कि 13-14 में गवर्नमेंट ने इतना दिया था और 19-20 में गवर्नमेंट ने इतना दिया, तो जो किसान नेता की तरफ से वैसे ये बातें आनी चाहिए थी। लेकिन एक मैं आपके संज्ञान में एक बात लेके आना चाह रहा हूँ, जो 13-14 में जो एमएसपी से मार्केट प्राइस ऊपर रहते थे तो गवर्नमेंट को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो मार्केट में एमएसपी से ज्यादा बिकता था। और 19-20 में क्या हो गया, मार्केट में प्राइस कम है और गवर्नमेंट के ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हो गई कि गवर्नमेंट जमींदार के, आज भी आप देख लीजिए पैडी का देख लीजिए, उस टाइम 3000 का रेट होता था, आज गवर्नमेंट का 1900 का रेट है, वो 1900 पे भी नहीं बिक रहा। मैंने खुद बाजरा हमारे घर में दुकान से है 1700 रुपए में, जबकि गवर्नमेंट का रेट 1900 है। तो आप इस बात को समझने की जरूरत है कि वहां नोट कीजिएगा बख्शी जी, इन चीजों को भी नोट कीजिए, उस टाइम पे आप लोगों को जमींदार को जाने की जरूरत नहीं थी जमींदार गवर्नमेंट के पास कि हमारा अनाज खरीदिए आप, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी इतनी थी। लेकिन आज के दिन मार्केट को कॉन्ट्रैक्शन पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये मैं एक इनको जो किसान नेताओं को ये बातें उठानी चाहिए कि वहां पे पैसा गवर्नमेंट कम क्यों दे रही थी। सेकंड एक और आप जो इंश्योरेंस का जो कह रहे हैं, इंश्योरेंस भी जो एफडीआई बढ़ी है वो भी मोर कॉम्पिटिटिवनेस है, इसलिए बाहर का पैसा आएगा, कंपनियां ज्यादा बढ़ेंगी तो कंपटीशन और बढ़ेगा, जो हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम का रेट है वो कम होगा, तो वो एक बेनिफिशियल चीज है। लेफ्ट को ये कहना कि सब कुछ सेल कर दिया वो ठीक नहीं है, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं से रिकवर करके ही हेल्थ पे लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा, तो कहीं ना कहीं से रियलाइजेशन तो करना पड़ेगा। आ गई मैं सर, प्रोफेसर सुभाष। अभी अनुराग जी बता रहे थे रेलवे रेलवे भी प्राइवेट हाथों में जा रही है, अब इसका मतलब ये मैंने ऐसा नहीं कहा, डिसइन्वेस्टमेंट रेलवे की डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब प्राइवेट मैंने एयर इंडिया की बात की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हरियाणा में इतना बुरा हाल है, जहां तक ये हेल्थ की बात करते हैं, सीएम साहब कोरोना पॉजिटिव होते हैं सीधे मेदांता आ जाते हैं, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी आया था, मेदांता आ जाते हैं। हेल्थ मिनिस्टर जी, मैं उनकी इज्जत करता हूं अनिल विज जी की, पहले सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं अंबाला में, फिर रोहतक पीजीआई में आते हैं और फिर मेदांता आते हैं, फिर भी उन्होंने अजमाया है, उन्होंने देख लिया है और उनके भाई की स्टेटमेंट आई है भाई हमें विश्वास नहीं है हरियाणा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सुधारे, गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था को सुधारे, गवर्नमेंट अपने स्कूलों को सुधारे, गवर्नमेंट स्कूलों का इतना बुरा हाल है, गवर्नमेंट कॉलेजों का इतना बुरा हाल है, प्राइवेट स्कूल तो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं पूरे 9 महीने से 10 महीने से, गवर्नमेंट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं है इक्का दुक्का चौका छोड़ के, गवर्नमेंट कॉलेजों में नहीं है, दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज, गवर्नमेंट दे नहीं पाई 9 महीने से, तो वो भी प्राइवेट हाथों में दे दो, फिर गवर्नमेंट स्कूल भी क्या जरूरत है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी दे दो आप, जब इतने पैसे की जरूरत है बेच डालो सारी जमीन में पैसा आ जाएगा और जनता का करो सेवा, फिर और क्या है। थैंक यू। अनुराग बख्शी जी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर घिर गए। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए और आम आदमी को अपनी जेब से प्राइवेट अस्पताल में इलाज न कराना पड़े, इसी दिशा से, और या कम से कम खर्चे में कराना पड़े, इसी दिशा में सरकार काम कर रही है।
इसी दिशा में इस बजट में जो उस काम के रिजल्ट को उन्होंने क्वेश्चन किया ना, रिजल्ट क्या दिया आप लोगों? धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे आ भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि स्वास्थ्य आप बजट को लेकर भी यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा स्वस्थ भारत मिशन में। सर जब हम बी शेप रिकवरी की बात करते हैं तो धीरे धीरे नहीं, फिर वही बात हो जाएगी प्रोफेसर सुभाष चपरा की, आप यू की बात करते हैं या आप एल की बात करते हैं। हमने अभी ये जो आज की बात भी कर लो, अगर आपके आज की बजट आज ही की बात कर लें, आज ही की कर रहे हैं, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन की जो बात की गई है उसमें भी 11,000 नए वेलबींग सेंटर्स खोलने की बात है और 11,000 नए स्वास्थ्य केंद्र अगर खुलेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधा स्वागत है बेहतरीन सराहनीय है। लेकिन जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो ये कि जो पहले से हैं उनका क्या, उनको दुरुस्त करने के लिए क्या नेग्लेक्टेड लॉट। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसीलिए सरकार पिछले साल नई शिक्षा नीति लेकर आई है कि अभी शिक्षा के सर आपने क्या था जवाब नहीं दिया, आप आगे बढ़ गए जैसे कि आपने अपनी स्पीच देनी है सर। नहीं 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 आप बताइए, मैंने आपने जवाब नहीं दिया ना, आपने मेरे को जो चीजें अभी गिनाई जो स्वास्थ्य के लिए आप लोग लेकर आए हो मैंने उसका स्वागत किया। जब निर्मला सीतारमण ने सदन में वो बातें रखी हमने उसका स्वागत किया, पूरा देश स्वागत कर रहा है, सराह रहा है कि ठीक है अच्छी बातें चीजें आएंगी, लेकिन जो पहले से हैं उनको लेकर क्या, उस पर तो आप बोल नहीं रहे ना। पिछले 8-9 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल इतना बुरा हाल है, गवर्नमेंट कॉलेज बुरा हाल है, 8-9 महीने थोड़े होते हैं सेशन यूनिवर्सिटीज अपने लेवल से 6ठी से 8वीं कक्षा की अपने मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हरियाणा में कई यूनिवर्सिटीज है, हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ एक लेवल नहीं बना पाया भाई किस तरह से बच्चों को प्रमोट करना या उनके एग्जाम लेने हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी तो अपना राग संवार रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप है चलो दैट इज ए डिफरेंट यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी का अपना सिस्टम है वो कोई प्रमोट कर रही है, गुरुग्राम विश्वविद्यालय में इन्होंने बच्चों का पेपर लेना चाहा अभी पिछले महीने में, एक दिन बच्चों ने शोर मचाया उन्होंने कहा चलो जी हम प्रमोट कर देते हैं, बट इज दिस कितनी यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पे उनका एक कंट्रोल नहीं है, एक पॉलिसी बना दो बच्चों का सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा है बच्चों का रिजल्ट इफेक्ट होता है, जो बच्चा पेपर जिस कॉलेज में दे रहा वही टीचर चेक कर रहा है अपना रिजल्ट, तो हर टीचर देगा मुझे बच्चे पास करने मुझे अपना रिजल्ट देना है, फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट मापदंड क्यों है, सिरसा यूनिवर्सिटी का अपना है, एमडी यूनिवर्सिटी अपना है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी अपना है, मीरपुर यूनिवर्सिटी अपना है, गुरुग्राम विश्वविद्यालय अपना है, बट इज दिस ये क्या हो रहा है बख्शी जी? कौन कहता है कि यहाँ पे सरकार है बख्शी जी? आज की चर्चा क्योंकि बजट पर थी तो इसलिए बजट को ध्यान में रख के सर बजट हर सेक्टर से जुड़ी हुई है। नहीं नहीं अनुराग बख्शी जी अगर जवाब नहीं है तो अलग बात है, हम हट जाएंगे इस सवाल से, लेकिन ये बजट पर ही, बजट में शिक्षा भी है। आज बात हुई है हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की, तो कोई यूजीसी कहां पर हायर एजुकेशन कमीशन इसीलिए बनाया जाएगा कि जो चिंताएं आपने व्यक्त की हैं उन चिंताओं को दूर किया जाए, उन चिंताओं को, कोई बच्चा फेल हो रहा है कोई पास हो रहा है। आपने कहा कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद थे, तो स्कूल कॉलेज बंद रखना एक व्यवस्था थी और ऑनलाइन एजुकेशन मेरी जानकारी में सरकारी स्कूलों में भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, हो सकता है उतनी बेहतर ना चल रही हो जितनी प्राइवेट स्कूल्स में चल रही है, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सुविधाओं को बेहतर बनाने की अभी भी काफी गुंजाइश है, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर रहे, बिल्कुल। तो सरकार लेकिन निरंतर उस दिशा में काम कर रही है कि उन सुविधाओं को बेहतर किया जाए। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन तो अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट था। चलिए ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वेणु जी ने दो बार एक जिक्र किया कि जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव है उनके लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया निर्मला सीतारमण ने, क्या ये राजनीतिक नहीं थी? आप किसान आंदोलन को राजेश लाठर जी सुन रहे हैं आपको, आपने उनको तो कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है, तो ये क्या था सर जो आज अनाउंसमेंट की गई, तमिलनाडु से लेकर केरल असम और पश्चिम बंगाल को विकास के सौगात से नवाजा गया? देखिए हो सकता है उस क्षेत्र की कुछ विशेष मांगे जो हैं वो पहले से चली आ रही हो और उन पर विचार, क्योंकि ये योजनाएं को एकदम अचानक रात रात में इनकी ना तो बन जाती है ना तो घोषणा कर दी जाती है, तो एक लंबे समय से इन कुछ क्षेत्रों की मांग रहती है कि भाई यहाँ रेलवे नेटवर्क बेहतर होना चाहिए या सड़क का नेटवर्क बेहतर होना चाहिए या बेहतर हाईवेज बनाने चाहिए, तो सरकार ने अगर उसकी तरफ बेहतर ध्यान दिया है तो मेरे ख्याल में उसमें कोई किसी तरह की कोई नाराजगी या कोई भेदभाव वाली बात होनी चाहिए। बंगाल को भी खास सौगात, कोई भेदभाव वाली बात होनी चाहिए, ये सरकार भेदभाव ये सरकार किसी भेदभाव से काम नहीं करती। ठीक है, इसे आप लोग अपने राजनीतिक चश्मे से ना देखें वेणु जी, ये जरूरतें थी, लंबित मांगे थी, आवश्यकता महसूस हुई इसलिए इन्होंने ये तोहफे दिए हैं इस बजट में उन सभी राज्यों का जिसे आपको लगता है कि चुनाव है इसलिए मिला है। वेणु जी राजनीतिक चश्मे से देख रही है कांग्रेस जी? आवश्यकताएं तो बिल्कुल आवश्यकताएं हमारे देश में बहुत से मेरे भाइयों की बहुत सी रही हैं, लेकिन सरकार
अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतरती है, वो केवल केवल और केवल अपने मतलब की सरकार है। केवल अभी आपने देख लिया कि क्या लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं। अभी आप ही के चैनल पर एक और एंकर हैं, और हमेशा आप देखिएगा कि बीजेपी के जितने भी मेरे भाई आते हैं उन लोगों की जो भाषा का प्रयोग होता है बहुत ही असराहनीय होता है। और अभी एजुकेशन की बात चल रही थी कि इन लोगों ने आजकल जो इंटरनेट बंद किया 3-4 दिन के लिए, आप देखिएगा कि ताकि सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे। सरकार केवल बहका रही है, फुसला रही है, गलत प्रोपेगेंडा कर रही है किसानों के बारे में, और जो बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं उनके ऊपर कितना इफेक्ट आया। सबसे पहले तो अभी जो इस पर हम बात कर चुके हैं खुद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर अपनी बात रख दी है कि ये केवल 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से किया गया है, परिस्थितियां संभलते ही बहाल कर दी जाएंगी। मैडम कल 17 जिलों में था, 14 जिलों में है, धीरे धीरे बहाल हो जाएंगी। जो कुछ सुरक्षा के लिहाज से किया गया है उसे रहने देते हैं, बजट पे आते हैं। सर मैं आपके पास एक बार फिर आती हूँ, बख्शी साहब, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के लिए क्या लाए आप? देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए ही ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हुई है, स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देने की बात हुई है, ये उसी दिशा में काम है। अगर आज हम, अभी भाई साहब ने भी कहा कि देश में विदेशी निवेश बढ़ रहा है, अगर देश में विदेशी अपना निवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें सरकार की नीतियों में, सरकार के कार्यशैली में भरोसा है, तभी वो अपना पैसा यहां लगा रहे हैं। तो हम तो, और आज इंडिया मोबाइल, आपने मोबाइल फोन की पहले भी चर्चा की थी कि आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं मोबाइल फोन्स के, बड़ी बड़ी ब्रांड के मोबाइल फोन्स यहाँ बन रहे हैं। तो ये उसी दिशा में काम है कि देश मेक इन इंडिया को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर बढ़ावा दे और यहां पर चीजें बने, हम एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने। हम फार्मा की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आज की तारीख में, सबसे ज्यादा वैक्सीन हम यहाँ बना रहे हैं। आप बीज लगा रहे हैं, जब पौधा बड़ा होगा तब फल देगा? निश्चित रूप से, अगर कुछ क्षेत्रों में बीज पहले नहीं है तो वो लगाए जाएंगे और वो बढ़ेंगे भी। जब बीज, आप बीजारोपण करेंगे तो पेड़ भी बनेगा, पौधा ठीक है, दिनेश देशवाल भी देगा। दिनेश देशवाल, इसमें जैसे कि मेरे फ्रेंड जो बीजेपी से वो बता रहे थे, आप पूछ रहे थे उनसे कि लोकल फॉर वोकल के लिए क्या हुआ, और उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि इस बार जो स्कीम जो पहले भी था, प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम, इन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया था बजट में, उसको रिट्रेट किया गया है। तो एक तो प्रोडक्शन लिंक स्कीम रहेंगी, वो एक एमएसएमई के लिए भी बेनिफिशियल है। दूसरा, टेक्सटाइल्स के लिए 7 जोन बनेंगे, टेक्सटाइल्स सेक्टर्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ा अच्छा सेक्टर है, उसमें नई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जनरेशन बढ़ेगी और टेक्सटाइल्स का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे जीएसटी आने के बाद और डिमोनेटाइजेशन आने के बाद बुरी तरह से प्रभावित है और एक्सपोर्ट भी उसके लिए बहुत ही कम हुआ है। तो उसके लिए एक सराहनीय कदम है सरकार का कि टेक्सटाइल के लिए अच्छी बात है, प्रोडक्शन इंडिया में ही हो, उत्पादन इंडिया में हो, इसलिए पीएलआई स्कीम 13 सेक्टर्स के लिए पहले ही अनाउंस कर दी गई थी बजट में, रिट्रेट करके इसको फर्दर ग्राउंड पे लेके आने के लिए तैयार की गई, वो अच्छी ड्यूटी है। जहां तक मोबाइल का आप सर बता रहे थे कि सेकंड कंट्री है जो मोबाइल का प्रोडक्शन करता है, लेकिन मोबाइल पे अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई गई है तो उससे भी रिवेन्यू रियलाइजेशन में एक अच्छा कदम है, जो कि एक रिवेन्यू बढ़ेगी भारत सरकार की, और उससे जो स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सेवाएं जैसा सर बता रहे थे, मैं सहमत हूँ सपड़ा सर से कि उसमें थोड़ा सा सरकार का योगदान ज्यादा रहे। प्रोफेसर साहब, क्या आप इनसे सहमत हैं? थोड़ा सा एक मिनट दोबारा बताएंगे क्या था? मैंने जो प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो इसमें गवर्नमेंट को इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशल यूथ के लिए जो 10th pass हैं 12th pass हैं उनके लिए कुछ, उनको जो है ना ये इसमें प्रोविजन करना चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर वेल क्वालिफाइड। मैंने इनको सबसे पहले यही सवाल पूछा कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं किया, नौकरी इनके पास है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब हमारे हरियाणा में वैकेंसीज ही नहीं है। यहाँ ये कहते हैं जी एमए एमबीए को हमने जी चपरासी लगा दिया, इट इज गॉड, ये इनके पास जॉब है, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो। मेन इंडस्ट्रीज दो, छोटा सा यहाँ पे उनको लोन दो, सब्सिडी दो, उनको प्लॉट दो सस्ते, उनको बिजली दो, इनकम टैक्स से रिलीफ दो, हाँ जी, स्पेशल इसके लिए प्रोविजन हो, तो बच्चे अपने आप ही जो 10th pass हैं 12th pass हैं ग्रेजुएट हैं वो सौर मुड़ जाएंगे, सब्सिडी देंगे उनको। इसमें ये इट वाज ए गुड स्टेप, इसमें इनको जोर देना चाहिए था। छोटे छोटे जो पुराने टाइम में लघु उद्योग धंधे थे या कुटीर उद्योग थे, ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थी, बट दे कैन नॉट कम्पीट। वो ठीक है, यहाँ पे आज इंटरनेशनल ब्रांड है वो कम्पीट नहीं कर सकते,
बट ये इसको इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, उनको देनी चाहिए युवा वर्ग को, जो इसमें इसमें मैंने तो कोई देखा नहीं इसमें कोई प्रावधान हो इसमें। जोड़ेंगे कुछ इसमें? पहले जहां तक है इसमें ओवरऑल देखा जाए कि होलिस्टिक ढंग से इन्हें एक इंटेग्रेटेड ढंग से जिस तरह डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो। बड़ी माफी के साथ बीच में रोक रही हूँ, हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ सीधे जुड़े हैं जो इस वक्त बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के साथ बातचीत कर रहे हैं, सीधे वहीं रुक करेंगे। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो बजट पेश हुआ है साफ तौर पर पेपरलेस बजट है, और जो उम्मीदें थी जनता को उसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे साथ जो सांसद है सुनीता दुग्गल वो मौजूद है। मैम, किस तरीके से इस बजट को, पूरे बजट को आप देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही बैलेंस्ड बजट जो है वो अब की बार हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया है। ये लगातार उनका तीसरा बजट है, और जिस तरह से हम लोग पहले ही ये बात सोच रहे थे कि हम एक पैंडेमिक से गुजरे हैं, एक हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो हेल्थ की तरफ होना चाहिए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो फोकस था वो हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने हेल्थ की तरफ दिया। 2,23,000 करोड़ के करीब जो है वो इसके लिए प्रावधान रखा गया है, और इसके साथ साथ चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हम चाहे कृषि की बात करें, तो सब चीजों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए, और आप ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह से जो है वो प्रावधान रखा गया है, उससे आने वाले समय में हमारे आम नागरिक को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जिस तरीके से बजट की बात करें मैम, काफी उम्मीदें थी, किसान सख्त लगा दिया गया, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके से दोबारा से उछाल देखी जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आप ये देखिए कि अगर हम कृषि जगत की बात करें तो अगर हम तुलना करेंगे तभी हम ये पाएंगे कि जो पहले के समय में और अब के समय में कृषि में क्या सुधार आया है। तो आप देखें कि 2013-14 में चाहे हम पैडी की बात करें, चाहे हम वीट की बात करें, चाहे हम पल्सिस की बात करें, चाहे हम कॉटन की बात करें, तो सब में एक जबरदस्त तरीके का उछाल आया है। और कॉटन में तो आप ये देखिए कि 90 करोड़ की प्रोक्योरमेंट जो कि 2013-14 में थी, उससे अब ये 2020-21 के अंदर 25,900 के करीब जो है, 25,900 करोड़ के करीब जो है वो वहां तक पहुंच गया है। तो मुझे लगता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने ये सोचा है कि 7 जो है वो टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाए जाएंगे पूरे देश के अंदर अगले 3 सालों के अंदर अंदर। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एजुकेशन में भी लेह के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान रखा गया है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिससे मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस्ड बजट है, और एक हमारे आम नागरिक को, हमारी आम जनता को इससे बहुत फायदा होने वाला है। एपीएमसी का खास ख्याल रखा गया कि कम से कम 1,000 के करीब जो एपीएमसी के तहत जो मंडियां हैं उनकी अपग्रेडेशन होगी। तो और एमएसपी आप देखिए 1.5 गुना से ज्यादा जो है वो पिछले वालों से अगर हम कंपेयर करें तो 1.5 गुना से ज्यादा जो है वो लागत हमें मिल रही है हमारे किसान भाइयों को, एमएसपी का भी जो है वो, एपीएमसी का, इन सब चीजों का ध्यान रखा गया। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है उससे हमारे आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ होने वाला है। विपक्ष मैम ये कह रहा है कि निजीकरण हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ बेचा जा रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष लगातार सवाल निशान खड़े कर। देखिए, जो भी ऐसे संस्थान है कि जहां से अब सरकार को किसी तरह से कोई फायदा नहीं हो रहा है, अगर ऐसे संस्थानों का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं किसी तरह की कोई एक आम नागरिक को उससे कहीं कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप इतना प्रोविजन आप कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, कृषि में कर रहे हैं, आप हेल्थ में कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इस तरह से ही पैसा जो है वो सरकार जो है वो लेती है और उसके बाद जो है वो सब जगह पर लगाती है। तो मुझे लगता है कि अगर उन संस्थाओं को अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। और जो जमीन उन जो है उन सेक्टर्स के अंदर थी उसको भी सरकार जो है किस तरह से सेल करेगी ताकि वहां से जो पैसा आता है उसको एक आम आदमी के लिए लगाया जा सके। जिस तरीके से मैं पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, आप देखें अलग अलग बॉर्डर पर किसान काफी दिनों से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और उम्मीद भी थी किसानों को कि सरकार कुछ ऐसा बजट लेकर आए, तो किसानों को के हक में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लुभाने का पूरा मौका था सरकार के पास जिस तरीके से बजट की बात करें, तो आप इस बजट को किसानों के हक में किस तरीके से देखते? देखिए, सरकार ने इस बात के लिए कहा है कि एमएसपी जो है वो समय समय पर बढ़ती रहेगी। अगर हम पिछली बार से बात करें तो 1.5 गुना ज्यादा जो है एमएसपी अभी फिलहाल में मिल रही है, और आने वाले समय में भी जो है वो
देखकर किस तरह से क्या उसके अंदर जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है, वो सरकार इस बात की तरफ भी ध्यान करेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि गांव के लेवल तक पहुंचाने की सरकार ने कोशिश की है, गांव गांव तक जो है वो सड़क पहुंचाने की कोशिश की, किसान रेल जो है 100 रेल जो है किसान रेल चलाने के लिए किसान के द्वार तक जो है पहुंचने की सरकार ने कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को और आम नागरिक को इसका बहुत फायदा होने वाला है। मैम, देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट हो रहा है, मेकिंग इंडिया को बढ़ावा दिया गया है, यहाँ पर जो टैब जो इस्तेमाल किया गया है वो भी इंडिया का ही है था, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पेपरलेस इस बार बजट है और ऐसे में जिस तरीके से आपने पहले जिक्र किया कि स्वास्थ्य को सबसे बड़ी यहाँ पर स्वास्थ्य को जोड़कर देखा गया, इस बजट को लेकर काफी ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं वो देखा गया। हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इसी से देखिए कि जहां पूरे विश्व के अंदर पैंडेमिक से जो है वो पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे उसमें भारत जो है वो 2 ऐसी वैक्सीन लेकर आया है कि जिसको हम 100 से ज्यादा देशों में अब तक हम भेज चुके हैं और हम अपने देश में भी सबको वैक्सीनेटेड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से डिफेंस सेक्टर की तरफ देखें तो डिफेंस सेक्टर में भी जो है वो हमने बहुत सी ऐसी चीजों में हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, तेजस की हम बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जो इंडिजिनस चीजें हैं उनकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस तरह से जो है हम लोग अपनी जो हमारी जो यहाँ की जो चीजें हैं उनको हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकें, इस तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है और आने वाले समय में जो है वो भारत बहुत ही आगे जो है तरक्की की तरफ बढ़ेगा, जिस तरह का बजट जो है आज हमारी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुनीता दुग्गल, सांसद बीजेपी, जो साफ तौर पर हरियाणा न्यूज से जिस तरीके से बातचीत करी थी, साफ तौर पर यही कह रही थी जो बजट है आगे आने वाले समय में एक कारीगर और बहुत अच्छा बजट कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आएगा। राजा पटेल, दिल्ली, हरियाणा न्यूज। बहुत शुक्रिया राजा, ऐसे ही प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। डॉक्टर दहिया, एक बार फिर मैं आपके पास पहुंच रही हूं, पूरी तरह से बैलेंस्ड बजट है, सुना आपने सुनीता जी को? जो है उनके उस पार्टी से संबंधित हैं, तारीफ है, उन्होंने नेगेटिव पार्ट या वो नहीं कहा, इसमें इरिगेशन एग्रीकल्चर के साथ कहीं इरिगेशन का जिक्र नहीं आ रहा, और इरिगेशन बहुत इंटेग्रल पार्ट है, कृषि के साथ संबंधित है, नथिंग हैज बीन टॉक्ड अबाउट द इरिगेशन। हरियाणा में अभी जहाँ बड़े बड़े शहरों में पानी जो जहाँ शेर शाह सूरी के टाइम में इरिगेशन होता था, वो वहां पर वो एक किस्म का डेजर्ट बनते जा रहे हैं, वहां पर नहर में टेल पे कहीं पानी नहीं जाता है। इसी प्रकार से, और शिक्षा का जैसे कहा, हेल्थ में भी डेफिनेटली रिक्वायर्स नॉट ओनली भाई आप ठीक है वेलनेस सेंटर कहा, वेलनेस सेंटर की क्या डेफिनेशन होगी, कितना होगा, उसमें कौन होगा क्या, एंड फॉर दैट रीजन मैं आप वैसे भी कह रहा हूँ, आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, उसका कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कोई वहाँ रेजिडेंसीज बने हैं वो अबंडेंड हो गए, कोई डॉक्टर मिलता नहीं है, जाके 4 बजने आगे ऑल आर ऑपरेटिंग, सब मास्टर नहीं टीचर्स की तरह, वो डॉक्टर भी, डॉक्टरों का ये कंसेप्ट कभी नहीं था, हेल्थ स्टाफ का ये कंसेप्ट कभी नहीं था कि वो बाहर से आके जाएंगे ये करेंगे, नो तो उस चीज का रिक्वायर सर्विसेज को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, इसको एक्सपेंशन की मैं हेल्थ की बाबत एक्सपेंशन हुए, उसका मॉडर्नाइजेशन भी है, डेफिनेटली इक्विपमेंट है इस प्रकार से हो, अब हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं एक्सरे मशीन्स हैं या ऑपरेशन थिएटर्स का है, आप जाएंगे तो दैट रिक्वायर्स इटसेल्फ बहुत बहुत आवश्यकता है। ये बहुत कहते हैं बहुत बजट दे दिया, कंट्री का साइज देखा है, पॉपुलेशन 1,30,000 इतना 130 करोड़ की आबादी है, पर उसके हिसाब से देखें तो कितना पड़ता है, एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हेल्थ। अभी तक माल न्यूट्रिशन, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ, अभी हमारा मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट अभी भी 140 के करीब है, इसी तरह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी, प्लस 75% ऑफ द चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स एंड द वोमेन आर एनीमिक एंड दे आर सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, उस तरफ क्या ध्यान है, नथिंग हैज बीन डन, और हैज बजट अलॉटमेंट इज नॉट गुड एनफ, वो क्या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो रहा है, क्या क्वालिटी है, क्या मॉनिटरिंग है, दैट इज, और किसी भी देश का हेल्थ इंडिकेटर्स ही या दूसरे हैं, और उसकी डेवलपमेंट भी, आपका हेल्दी सोसाइटी होएगी तो उसमें एफिकेसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी, आपके इंडस्ट्री में आएगी, एग्रीकल्चर में जहां भी वो होंगे ऑफिस में आएगी, यदि आपका जिसका 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है 6 ग्राम है तो आप लेंगे 14%
14 ग्राम 100% होता है, 8/14 × 100 कर लो, क्या उसी तरह एफिशिएंसी घट जाएगी? क्या काम है वो, हाजिरी जरूर उसमें रोल पे लग जाएगी, कितना आउटपुट देंगे वो, क्या इंडस्ट्री में करेंगे, क्या रोड मैन्युफैक्चर रोड बनाने में कितना वो काम आउटपुट देंगे, हर जगह ये है हाल। तो दैट रिक्वायर्स हेल्थ में तो बहुत एक किस्म का बहुत अटेंशन की आवश्यकता, महज बजट अलॉटमेंट इज नॉट गुड एनफ। ठीक है बख्शी साहब, जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने भाई साहब ने सिंचाई पहले बात की थी, कृषि इसमें सिंचाई क्षेत्र के लिए कुछ नहीं दिया गया, हालांकि मेरे पास कोई बजट पत्र नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी टीवी से हमें मिली लगभग 5,000 करोड़ रुपए की, 5,000 करोड़ क्या है, इज ए पीनट, कंटेनिंग प्रोसेस, नो नो नो, इट इज ए पीनट ओनली, व्हाट इज 5,000, ऊंट के मुंह में जीरे की बात कर रहे हैं। नो नो नो, 5,000 इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ सेक्टर में मैं कभी इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमेशा जगह होती है, हमेशा no, no, आप हियर नहीं, हियर हेल्थ में है ना, आयुष्मान भारत भी इसी दिशा में कदम था, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया गया और उससे बहुत लाखों लाखों परिवारों को उसका लाभ भी मिला। वी कैन नॉट वेट फॉर, ये जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है ये भी उसी दिशा में एक और कदम है। देखिए हम बजट को सिर्फ एक संकीर्ण उस एक दूरबीन से ना देखें कि बजट केवल एक स्टेटमेंट नहीं है सरकार की, बजट एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इस बजट से पहले भी अभी मैंने आपको बीच में नहीं रोका, एक मिनट, निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट भाषण में शुरू में कहा सुनो कि बजट बजट से पहले भी 5 मिनी बजट कोरोना काल में सरकार ने पेश किए, लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज। बारी बारी रुक जाइए, उनको कुछ आपत्ति है क्लियर कीजिए आप सवाल। आप ये प्रशंसा में लगे तीसरा बजट क्या जरूरत है, शी इज बाउंड टू मेक ए बजट फॉर दैट रीजन। हेल्थ में वेट नहीं कर सकते आप अगले 30 साल या 20 साल के लिए, इट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, अर्जेंट, इज नॉट समथिंग दैट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। ठीक है, ये जो स्वास्थ्य सुविधाओं में मैंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे चिकित्सालय और स्वास्थ्य सुविधाएं जो बिल्कुल आप क्या क्या जरूरत थी चीफ मिनिस्टर मेडिसिटी में, मैंने नहीं कहा कि नहीं टाइम्स ऑफ नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया फोटो आ रहे हैं, अरे प्रोटोकॉल क्या कहता है, पेशेंट के पास कोई नहीं जा, आपका चीफ मिनिस्टर वहां पर जा रहा है, हेल्थ मिनिस्टर की साथ फोटो आ रही है, व्हाट इज इट, इज ए ड्रामा, बिल्कुल ड्रामा है और क्या चीज है वो बताइए अनुराग जी। कोरोना काल में देखिए आप कोरोना टेस्ट की बात कर लीजिए, कोरोना टेस्ट के जो चार्जेस थे शुरू में शायद 3500 या 3600 रुपए थे, उनको सरकार ने घटा घटा कर 900 रुपए लेके आई ताकि उसकी कीमत जो है आम आदमी को ज्यादा न देनी पड़े। प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार ने रेट फिक्स किए कि जो कोरोना के पेशेंट होंगे आपको उनको वेंटिलेटर से आईसीयू से इससे ज्यादा चार्ज नहीं, महामारी में फ्री होना चाहिए था पेंडेमिक में, इतनी हेल्दी इकोनॉमी कम हुआ चुके, नो नो देश को कुछ पेंडेमिक में फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए था, कौन कहता चार्ज होना चाहिए, आप स्वास्थ्य पर मैं आ जाती हूँ, काफी देर से ठीक है, काफी देर से तेज आपको हेल्थ का पता है सर, मैं देख रही थी बहुत कुछ आप नोट भी कर रहे हैं, बहुत कुछ शायद आपके पास तेजवीर सिंह पेंडेमिक की डेफिनेशन पता आपको क्या है, ठीक है, इट हैज टू बी फ्री, ठीक है सर। सर अगर हम वैक्सीन आने के बाद और वैक्सीनेशन शुरू हो जाने के बाद अगर बात कर रहे हैं कि पेंडेमिक के बारे में सरकार को पता नहीं है तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर, अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं इससे सहमत हूँ कि महामारी में ये चीजें फ्री हो जानी चाहिए थी, जो धीरे धीरे आपने कम की वो सराहनीय था लेकिन वो शून्य नहीं हुआ। तेजवीर सिंह जी, हेल्थ को लेकर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या आज के बजट के बाद लोगों को ये संदेश गया है कि वैक्सीन फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लोगों को तो सरल शब्द समझ में आता है, वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मुद्रा, लोन, ये सब चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। देखिए सरकार चाहे तो कोविड के लिए वैक्सीन सभी के लिए फ्री कर सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे बीपीएल कार्ड होल्डर है, ईड ब्लू एस कैटेगरी, हमने 100 देशों को दिया वैक्सीन, अभी आपने सुनीता दुग्गल को सुना, हमने 100 देशों को दिया वैक्सीन, तो हम अपने लोगों को फ्री क्यों नहीं दे सकते? अपने लोगों को सरकार चाहे तो फ्री दे सकती है, मैंने ये कहा आपको, लेकिन अगर सरकार ये मतलब सभी को फ्री नहीं दे सकती तो अपर मीडियम क्लास है, अपर क्लास है, मीडियम क्लास है, उनको छोड़ के सबको दे सकती है, वो लोग काफी हो जाते हैं, तो उनको दे देना चाहिए सरकार। बख्शी साहब, मैं समझता हूँ, बख्शी साहब देखिए सरकार के पास आय के साधन सीमित है, सरकार का मान लीजिए अगर 25 लाख करोड़ रुपए के लगभग टोटल राजस्व प्राप्तियां हैं तो सरकार को उसमें सैलरी भी देनी है, पेंशन भी देनी है, इंटरेस्ट रीपेमेंट भी करनी है, लोन की रीपेमेंट भी करनी है और विकास के लिए विकास के कार्य ना रुकें इस दिशा में भी काम करना है। तो सरकार को एक संतुलन बना, मैंने वी शेप रिकवरी तो है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, जिस गति से हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन अब सारी सुविधाएं एकदम फ्री कर दी जाएं इतनी बड़ी आबादी के लिए, वो सरकार के लिए संभव नहीं। की बात हो रही है यहाँ पर, केवल सारी सुविधाओं की बात नहीं हो रही, महामारी की बात हो रही है। आपको लगता है अगर मेरे पास नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है इंजेक्शन लगाने के लिए, आप लोग लगवा लीजिए, आप लोग पे कर सकते हैं, उसके बाद आप पेंडेमिक को रोक लेंगे? तो ये सर आप समझ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बजट कोई आखिरी स्टेटमेंट है नहीं। आप मेरे सवाल को छोड़ के निकल जा रहे हैं सर बाईपास से, और आपको लगता है मैं चुप हो जाऊं? मैं ये कह रहा हूं कि ये बजट उस विषय पर कोई आखिरी स्टेटमेंट तो है नहीं। अगर ये चिंताएं सरकार के पास पहुंचेगी, सरकार को ऐसा लगेगा। मैं पहले स्टेटमेंट पे ही बात कर रही हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे वैक्सीन फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी तो मुफ्त सरकार के पास ऐसी, मेरे ख्याल में ऐसे साधन नहीं है कि पूरी आबादी को फ्री। लेकिन हम इस सिचुएशन में जरूर है कि हम वी शेप रिकवरी की बात कर सकते हैं, दिनेश देशवाल। यस मैम, बिल्कुल, ये रिकवरी तो वी शेप रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से लॉकडाउन एक बार साफ से आई है तो वो रिकवर तो होगा, रिकवर तो होने, और उसको वी शेप ही कहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो दूसरी, मतलब हम यहाँ खड़े हैं जहाँ से हमें यू शेप या एल शेप रिकवरी की हमें कोई वो नहीं है, हम वी शेप कर लेंगे, हम यहाँ खड़े थे, यहाँ आ गए, यहाँ चले जाएंगे, ठीक सर? यस, लेकिन अभी हम जहाँ खड़े वहां से यहाँ तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पेंडेमिक में लोगों को इंजेक्शन फ्री नहीं मिल सकता। नहीं देखिए, बिल्कुल, जो जिस हिसाब से ये रियलाइजेशन हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट से है, और जितने भी सोर्स हैं, टैक्स हैं, टैक्स से भी कलेक्शन आप देखिए, 15% जीएसटी से है, 13% इनकम टैक्स से है, वो जो रियलाइजेशन हो रहा है उसमें बिल्कुल फ्री देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी ना हो के एक जनहित के लिए गवर्नमेंट का काम होता है, हमेशा यही रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी एक गवर्नमेंट नहीं हो सकती, तो वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, इसीलिए कलेक्शन की जाती है। एक जो छोटे छोटे मजदूर हैं, छोटे आदमी हैं, जो उनका क्या है कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं वो उतना उनके हाथ में आता नहीं, तो गवर्नमेंट पे ही डिपेंड है कहीं ना कहीं, तो उनके लिए वो फ्री होनी चाहिए। दूसरी तरफ यदि आप एक बार डाटा को एनालाइज करेंगे तो एक बार आप पाएंगे कि रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर था, पिछली बार जो 30 लाख करोड़ था, इस बार वो 29 लाख करोड़ ही है। तो यहाँ पे जो है 1 लाख करोड़ रुपए का जो माइनस किया, वो माइनस नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। रेवेन्यू रियलाइजेशन में, रेवेन्यू एक्सपेंस में भी, जैसे सैलरी का है, रूटीन के दवाइयों हैं, उनमें भी खर्चा बढ़ना ही चाहिए था, क्योंकि रेवेन्यू जो इनकम है वो भी बढ़ी रही है, 15 लाख से 17 लाख करोड़ रुपए हो रही है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना ही चाहिए था। वो उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ गवर्नमेंट की बात से। और ये यदि आप कैपिटल का देख लीजिए तो कैपिटल के भी एक्सपेंडिचर जो 18 लाख करोड़ से, कैपिटल की रिवेन्यू है जो 18 लाख करोड़ से है, वो 16 लाख करोड़ रुपए हुई है, तो यहाँ पे भी कैपिटल जो रिसीट है वो और बढ़ानी चाहिए थी। यहाँ से भी जो 5 लाख करोड़ रुपए का हम कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता था, और उससे ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो सकती थी, तो वहां पे गवर्नमेंट कुछ कम किया। जवाब अनुराग जी, देखिए जहां तक रेवेन्यू कलेक्शन की बात है, पूरे आंकड़े क्योंकि यहाँ भी आए नहीं है कि, लेकिन ऐसा लगता है जो आपने चर्चा की कि रेवेन्यू कलेक्शंस कोरोना की वजह से निश्चित रूप से कम हुए होंगे पिछले साल के, और 19 अगर हम 19-20 की बात करें तो 19-20 के मुकाबले में 20-21 का रेवेन्यू कलेक्शन जो है और कैपिटल रिसीट्स हैं वो निश्चित थोड़ी सी कम रही होंगी। रिवाइज एस्टिमेट ही बता रहा, रिवाइज एस्टिमेट्स हैं, तो रिवाइज एस्टिमेट्स हमेशा थोड़े से लोअर साइड पर रहे होंगे कोरोना काल की वजह से, हालांकि एग्जैक्ट फिगर्स अवेलेबल नहीं है। नहीं मैं एग्जैक्ट, लेकिन चलो हो सकता है आपने देख लिया होगा। तो लेकिन अगर आप फिस्कल डेफिसिट की तरफ जाएं तो फिस्कल डेफिसिट हमारा इसमें लगभग बता रहे हैं 9%। हाँ जी, हाँ जी, तो 9% जो, जबकि पिछले साल हमारे जो टारगेट था वो 3.3% या 3.5% था। हाँ जी, हाँ जी, तो दैट मीन्स के फिस्कल हम ज्यादा फिस्कल डेफिसिट की ओर से जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो गैप है जो आप बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स का और एक्सपेंडिचर का, उस गैप को निश्चित रूप से बोरोइंग से पूरा किया जाएगा। 36% बोरोइंग है जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, कर्ज लिया जाएगा, ताकि देखो मैं ये कहता हूँ स्पेंडिंग इज द की टू डेवलपमेंट। हाँ जी, आपको अगर विकास करना है तो आपको खर्चा करना करना पड़ेगा, एक आदमी खर्चा अगर आपके पास आय से ज्यादा है आपको, तो निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई कर्ज लिया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो और ये सरकार निश्चित रूप से उस गैप को बोरोइंग से ब्रिज करेगी। हाँ, 36% बोरोइंग है जी टोटल कलेक्शन का, ताकि विकास की गति ना रुके। अभी बता रहे हैं बख्शी साहब, एक्सपेंडिचर इज द की, स्पेंडिंग इज द की टू डेवलपमेंट, इट इज द की टू डेवलप द नेशन, बट जब डिमांड ही नहीं है, डिमांड मीन बेरोजगारी, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उद्योग धंधे ही नहीं है, और गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही उनको, एजुकेशन स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, तो कैसे होगा, सिर्फ नारे लगाने से होगा और कुछ नहीं हो रहा।
वी शेप तो ये 6 महीने में एकदम डाउन हो गया, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन दी उन्होंने, और ये 6 महीने में, ये साल 2 साल में ऊपर, अभी तो इनका ये एजम्पशन है ये वी शेप हो जाएगी, ये तो टाइम बताएगा कि क्या होने वाला है। जब मेन तो है बेरोजगारी, लोगों के पास जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, उनसे देखो, उनसे आप पूछिए, जो गरीब बंदे के पास सिर्फ यही होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे 10 रुपए की यात्रा या 100 रुपए की यात्रा। हाँ जी, सेठों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, आम जनता की बात हो रही है। तो कैसे वो रिवाइव होगी इकोनॉमी जब उनके पास इनकम ही नहीं है, तो डिमांड कहां से करेंगे, और वो बचत कहां से करेंगे, जब बचत ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। इट इज टू मच। ठीक है, अनुराग जी क्या समझ रहे हैं छोटी छोटी चीजों को? देखिए, आज अगर हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मेरे ख्याल में 2014 में जब ये सरकार आई थी तो हम 7वें या 8वें नंबर पे थे, तो अगर हम 7वें और 8वें नंबर से 5वें नंबर पर आए हैं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, तो बिना विकास के तो वो संभव नहीं हो सकता था, बिना गति के तो वो संभव नहीं हो सकता था। और अगर इतनी गति से, और लगातार हमारी GDP जो है, पिछले इस साल को छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रेक्शन हुआ निश्चित रूप से कोरोना की वजह से, लेकिन पिछले 7-8 साल की अगर आप चले जाइए GDP ग्रोथ में, तो लगभग हमेशा 7 से 8% रही है। तो अगर विकास नहीं हो रहा तो वो ग्रोथ के आंकड़े तो बिल्कुल फर्जी तो नहीं हो सकते। तो विकास जहाँ होगा, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा, और लोगों के हाथ में ज्यादा आमदनी पैसा भी आएगा, और उस पैसे से जब वो पैसा मार्केट में कंज्यूम होगा तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी। दीज आर द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यही बातें जब निर्मला सीतारमण रख रही थी सदन में, तो विपक्ष ने कहा कि लोन को आप पैकेज कहते हैं, पैकेज को आप बजट कहते हैं। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना है, नहीं तो आपको जवाब भी तो देना है, सदन किस लिए? नहीं, आपने क्या कहा? लोन को आप पैकेज कहते हैं, अभी आपने बात की ना कि छोटा मोटा कर चुकाया जा सकता है, इनकम लोन इज इनकम। देखिए, मैंने अभी भी कहा, आपने कहा शॉर्ट टर्म लोन छोटा कर चुकाया जा सकता है, इसी पर घेरा था, बहुत मुद्दों पर घिरी हालांकि निर्मला सीतारमण। आज हम इस पर आ जाते हैं, विपक्ष ने कहा कि आप लोग लोन को पैकेज कहते हैं, पैकेज को बजट कह देते हैं। आपको आमदनी और खर्चे का गैप अगर ब्रिज करना है तो आप उसको किसी ना किसी माध्यम से तो करेंगे। आप कैसे कर रहे हैं? एक देखिए, सरकार के आय के साधन होते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू, इनडायरेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, कस्टम्स मतलब GST, इनकम टैक्स, उसके बाद आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू है जिसमें कैपिटल रिसीट्स हैं, प्राइवेटाइजेशन है, डिसइन्वेस्टमेंट है, जैसे इसी बार बार चर्चा हुई कि डिसइन्वेस्टमेंट से डिसइन्वेस्टमेंट उन संस्थानों का किया जा रहा है जो पहले से चिन्हित है, जो प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा रही है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेटाइजेशन करके सरकार उस अपनी आमदन को बढ़ाना चाहती है। तो सरकार अलग अलग स्रोतों से अपनी आय बढ़ाती है, और लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि विकास के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए होता है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को रोका नहीं जा सकता, रोका जाना भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए बोरिंग करती है। अब उसको आप लोन कह दीजिए, पैकेज कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन है तो वो गैप जिसको ब्रिज किया जा रहा है ताकि विकास का पहिया चलता रहे। ठीक है, इस ब्रिज को दहिया जी आप समझ पा रहे हैं? ये एक्सपर्ट ही ज्यादा बता सकते हैं, परंतु ये फिगर्स का हेर फेर है, नथिंग बियॉन्ड इट। आम आदमी को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी ने 2 वक्त की रोटी, उसके बच्चों का प्रोटेक्शन, उसकी स्वास्थ्य की चिंता, और उनको रहने का एक स्थान होना चाहिए, वो जो कि वही उनके लिए बड़ा मुश्किल आज के दिन में हो रहा है। तो दैट वे फूड कमोडिटीज है आपका, वो चीपर होनी चाहिए, तभी हेल्थ की रिलेटेड है। आज देखिए स्काई रॉकेटिंग आपके सीरियल्स हो रहे हैं, दालें हैं या वट एवर इट इज, एंड उस तरफ को ध्यान यदि दें भाई किस प्रकार से चीजों को आम आदमी की सहूलियत के लिए किया जाए, दैट मस्ट बी लुक्ड इनटू। ठीक है दिनेश जी, देखिए जो लोन की बात है, लोन और इनकम की बात है, लोन कभी भी इनकम नहीं हो सकता, लेकिन देखो अर्थव्यवस्था में दो तरह के सुमित पादरा जी भी टीवी पर बोल रहे थे, जी कहते हमने पैकेज दिया, लोन का पैकेज दिया, नहीं नहीं, इट मीन दे हैव गिवन फाइनेंशियल बेनिफिट, इट इज नॉट रिटर्न। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, जो लोन कभी भी इनकम नहीं हो सकता, लेकिन आप देखिए जो इकोनॉमी में 2 तरह के आदमी है, कुछ आदमी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की इंसेंटिव का कभी बेनिफिट नहीं उठाते और टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे तो एक तरह से सभी करते हैं, लेकिन कुछ हमारी इकोनॉमी के कुछ ऐसे आदमी हैं जो गांव में रहते हैं या कुछ गरीब हैं, तो पैसा वहां से वहां पे आता है, तो जो पैसे का शिफ्टिंग है वो गवर्नमेंट को इस तरह से बैलेंस करना होता है कि जो टैक्स पेयर हैं वो नाराज भी ना हो
और जो मतलब एक नीचे वाले लोग हैं उनको एक सहारा भी मिले। तो इसमें जो आप देखिए, जैसे कुछ बिजनेसमैन हैं, न्यू बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप हैं, उनको क्या चाहिए, उनको कम लोअर रेट पे इंटरेस्ट पे लोन चाहिए। तो गवर्नमेंट का मतलब यही है कि उनको जो लोन मिले वो कम रेट पे मिले, और वो स्टार्टअप यही चाह रहे हैं कि हमारे को एक बार पैसा दे दीजिए आप, वही हमारे लिए एक तरह से हमारे लिए एक रीजनरेट करने का एक मात्र साधन है, और उससे हम रिप्रोड्यूस करके हम रिटर्न भी कर देंगे, और उसमें हम एक तरह से गवर्नमेंट का हम वो एहसान भी मानते हैं। तो उसको आप इस तरह से देखिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, तो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई सरकार लोन को पैकेज बताती है। देखिए, सरकार ने लोन लिया, या मतलब आप मान लीजिए वो किसानों को लोन दे रही है उनकी उनकी फसल के लिए या उनके बीज खाद के लिए, या उद्योग एमएसएमई लघु कुटीर उद्योग को किसी को उद्योग लगाने के लिए अगर कोई पैसा दे रही है तो वो तो लोन ही कहलाएगा। मतलब है तो वो लोन, उसको किया जा रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने मान लीजिए 15 लाख करोड़ रुपया चिन्हित किया कि हम मुद्रा लोन में देंगे ताकि लघु उद्योग लघु और कुटीर उद्योगों को खड़ा किया जा सके, उनको कुटीर उद्योग पर। तब आप नहीं बोले जब सप्रा साहब पूछ रहे थे, आपने बहुत देर सोचने के बाद ये बात रखी है। कोई प्रावधान नहीं है बजट में, मैं बता रहा हूँ, इसके लिए स्पेशल जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम्स होती है बच्चों के लिए, जो बिल्कुल नए यूथ है। अभी सीए साहब बता रहे थे भाई उनको इस तरह से दिया जाए स्टार्टअप के लिए, इट इज रिटर्नेबल, मिनिमम उस पर रेट हो जाए, इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी जो बेरोजगारी इसी से पैदा होती है। अब चाइनीज में क्या है, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे बच्चा बी कॉम कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, एमए कर लेता है, जी 10,000 रुपए की जॉब नहीं है उसके पास, 10,000 रुपए की जॉब नहीं है। बिल्कुल, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जो बी टेक बच्चे लिए घूम रहे हैं, 15,000 रुपए की जॉब और 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, और वो 24 घंटे भी कोरोना काल ने 24 के भी बेचारों के जो है ना सैलरी भी छीन ली, और बिल्कुल इतना स्ट्रेस डाला है, वो बेचारे घर भागे हुए, कोई बिहार में बैठा है, कोई मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है। चलिए कुटीर उद्योग पे बात पूरी कर लीजिए अनुराग जी। मैं तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, सरकार ने हमेशा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इस बजट में क्या था, इस बजट में मेरी अभी मेरी जानकारी में कोई विशेष उसमें मतलब मैं देख नहीं पाया उसको क्या क्या एमएसएमई, क्योंकि देखिए पूरा डिटेल ये अभी हमने देखा जो टीवी पर देखा, ठीक है, जब पूरा बजट पेपर आपके सामने होते हैं तो यूआरएन, अभी इनकम टैक्स की बात हो रही थी मेरे पास अभी भी, मैं हालांकि क्योंकि उसको बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, मेरे पास अभी भी ये जानकारी आई कि 5 लाख तक की इनकम टैक्स पे कोई 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगा। इट इज एग्जम्प्टेड अप टू 250 ओनली, 2,50,000। अभी सीए साहब ने बता दिया उसके लिए, उसके लिए रिबेट है 87A में रिबेट मिलती है 12,500 उन्हीं के लिए। अगर आपकी 5,01,000 रुपए की भी इनकम है तो यू विल हैव टू पे इनकम टैक्स 2,51,000। मैंने ये कहा कि मेरे पास अभी भी जो जानकारी है उसमें ऐसा लिखा है, लेकिन जब तक उसका विश्लेषण ना किया जाए, मैंने कहा मैं बहस में नहीं जाना था। पहले वो विश्लेषण कर चुके हैं सर, जहां आप जाना नहीं चाहते, उन्होंने पहले कर दिया विश्लेषण, आपने शायद सुना नहीं। आते हैं जरा एपीएमसी का जिक्र कर रही थी सुनीता दुग्गल राजा पटेल से बात करते हुए कि 1,000 के करीब मंडियों की अपग्रेडेशन होगी, ये तो चीजें आप लोग लेकर आए। हालांकि जैसे ही निर्मला सीतारमण शुरू हुई कि हम किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम उनके लिए लगातार समर्पित हैं, तो हंगामा बहुत हुआ। बख्शी साहब, सरकार तो बार बार ये कह रही है कि हम किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए काम कर रहे हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा एमएसपी बंद नहीं होगी, सरकार ने कहा मंडियां बंद नहीं होंगी, सरकार ने कहा जो भी कानून में अगर कोई बदलाव होगा तो वो किसानों की बेहतरी के लिए होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मतलब किसी को परेशानी क्यों है। आप वार्ता के लिए भी तैयार हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही फोन कॉल दूर हैं, फिर भी इतने किसानों की मौत हो गई सर, कल भी एक की मौत हुई। देखिए अब मैंने कहा कि ये आंदोलन जो है वो राजनीति से प्रेरित है, और किसानों की कोई भी शंकाएं हैं, कोई भी संदेह हैं, कोई भी परेशानियां हैं, विसंगतियां अगर इस कानून में, सरकार ने कहा उसको सुनने के लिए भी तैयार हैं, उसके समाधान के लिए भी तैयार हैं, कभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं, और सरकार ने कहा कि चलिए अभी आपको ऐसा चिंता लग रही है तो इस चिंता को दूर करने के लिए अस्थायी रूप से 1.5 साल तक उसको होल्ड करने के लिए भी तैयार है। एक बार को सर आ जाते हैं किसानों का सारा जितना दुखड़ा है वो सब भूल जाते हैं कि उनकी क्या मांगे क्या नहीं है, आपको मान लेते हैं, अभी मान लिया कि ये राजनीतिक से प्रेरित है, ठीक, आप सत्तासीन हैं, कुर्सी पर बैठे, आपको पता है कि ये राजनीति से प्रेरित है, फिर भी जाने जा रही हैं महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, छोटे छोटे सड़क पर बैठे हैं, क्यों? ऐसी सिस्टम आपके पास है, पूरा तंत्र आपके पास है, ऐसे क्यों?
क्यों मरने दे रहे हैं आप? नहीं, आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कर दिया उन कानूनों को, फिलहाल के लिए स्टे दे दिया, तो आपकी ग्रीवेंस क्या है? ठीक है, अभी तो सरकार, अभी तो वो कानून 11 दौर की वार्ताओं में बहुत बार बताया किसानों ने, अभी तो कानून तुरंत प्रभाव से लागू नहीं हो रहे हैं। 11 दौर की वार्ताओं में बहुत बार बताया सर किसानों ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी कि भाई कमेटी उसकी समीक्षा करेगी इन तीन कानूनों की, कमेटी उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करेगी और अपना फैसला देगी। उस कमेटी में से एक ने नाम वापस ले लिया, दो ने कहा हमें तो कोई लेटर ही नहीं मिला, और सभी इससे पहले उस कानून के हक में बोल चुके थे, आपको लगा वो निष्पक्ष था? अब आप सर्वोच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली पर भी अगर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे तो फिर कोई क्या? नहीं नहीं, हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, जिन लोगों का नाम लिया गया उन लोगों ने ये कहा। सर आप बहुत खूबसूरती के साथ घुमा रहे, पहले सवाल को भी आपने घुमा दिया कि आपके पास तंत्र है, आपके पास सिस्टम है, आपको पता है कि ये जो लोग मर रहे हैं वो बेफिजूल मर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, तो आप क्यों सेकने दे रहे हैं? आपके लोग नहीं है क्या? क्या सबका साथ सबका विकास में टीकरी सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए लोग नहीं आते? देखिए, अगर देखो हम ये बजट चर्चा के लिए यहाँ पे, बजट चर्चा के लिए ही बात कर रहे हैं सर, तो हमने बार एपीएमसी का जो आपने जिक्र किया है, बार बार घूम के फिर उसी प्रश्न पर आ जाते हैं। सर बजट पूरे देश के लिए है, जो लोग वहाँ बैठे उनके लिए भी है। आपने जब कहा एपीएमसी में हम 1000 से ज्यादा मंडियों को अपग्रेड करेंगे तो किसानों के लिए कुछ कह रहे हैं, तो क्यों ना किसानों का जिक्र हो? या बार बार उस सवाल का जवाब ही नहीं है आपके पास, इसलिए आपको ये चुभ रहा है सवाल? मैं बिल्कुल चुभने की बात नहीं है, मैं तो बार बार कह चुका हूँ कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, सरकार ने अभी भी कहा कि वार्ता के दरवाजे खुले हैं। आप संवाद से संसद में पारित विधेयक हैं, आप फिर भी उसके ऊपर संवाद चाहते हैं? सर पूरी सर्दी खत्म हो गई, दिनेश जायसवाल जी पूरी सर्दियां निकल गई, तीसरा महीना चल रहा है इनके आंदोलन को, हम लोग शायद 5 महीने से डिबेट कर रहे हैं इस पर, कई दफा यहाँ टकरा चुके हैं हम सर, आप भी आए होंगे अनुराग बख्शी साहब, यहाँ पर हम 5 महीने के आसपास से ये डिबेट कर रहे हैं सर, आज ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए समर्पित है, जैसा कि निर्मला सीतारमण ने कहा, आप एपीएमसी का जिक्र कर रहे हैं, एपीएमसी को लेकर कई राज्यों में आप पहले ही घिर गए हैं, वहां पर सदन के अंदर भी विरोध आप किसानों के नाम पर झेल रहे हैं, सदन के बाहर भी आप किसानों के नाम पर झेल रहे हैं विरोध, आपको लगता है आप केवल ये कहकर कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है आप पार पा जाएंगे इस आंदोलन से? अनुराग बख्शी, अरे मैं देखिए, मैं अपनी बात को बड़ी अच्छी तरह से कह चुका हूँ, जो मेरी जानकारी में था, जो मेरे को समझ में है कि किसानों के आमदनी को दुगना करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, किसान हितैषी इससे ज्यादा सरकार पूर्व में कोई नहीं थी, हम लोगों ने स्वामीनाथन से आगे जाकर एमएसपी को लागू किया है, थोड़ा सा और एमएसपी सरल कर देते हैं, एमएसपी बढ़ता रहेगा, इस बात का भी वायदा किया। जो आपने कृषि वर्ग के लिए जो बजट में रखा है, आपको लगता है कि उससे जो नाराज किसान है वो मान जाएंगे? निश्चित रूप से उनको मानना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए तो लगातार आप किसान पेंशन जो सरकार ने लाई 2 साल पहले, वो भी तो किसानों की आमदनी बढ़े और उनकी उनका रहन सहन बेहतर हो, उसी 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 दृष्टिकोण से लाई गई, और किसान को जो सब सुविधाएं दी जा रही हैं, मान लीजिए पानी है, बिजली है, खाद है, उस पर अगर सब्सिडी दी जाती है, उनके लिए और अच्छी मंडियां बेहतर बने, उस दिशा में सरकार काम करती है, तो किसानों के रहन सहन को, उनके जीवन को, क्योंकि किसान अन्नदाता है देश का, इसमें कोई शक नहीं है, और 50% से ज्यादा हमारी आबादी आज भी कृषि पर आधारित है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तेजवीर सिंह, देखिए मैडम, एपीएमसी को लेकर जो घोषणा, किसानों की जो बात आ रही है, मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। ग्रामीण भारत जो है, ग्रामीण भारत से विकास शुरू होना चाहिए और शहरों की तरफ आना चाहिए। जो माइग्रेशन हुई है अभी तक, वो 25-26% माइग्रेशन शहरों में हुई है, और उस माइग्रेशन का रीजन ये है, शहरों में लोग अब भी आना चाह रहे हैं, पहले भी आना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत कुछ कमी है, वो ग्रामीण विकास ना होने की वजह से, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री ना होने की वजह से, काम ना होने की वजह से, सरकार को चाहिए तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे कुछ रोजगार मतलब जो है देने चाहिए, जिससे कि माइग्रेशन ज्यादा ना हो। रही बात एपीएमसी की, एपीएमसी का जो किया है इन्होंने, बीजेपी ने, वो कुछ सोच समझ के किया है, लेकिन क्या है कि किसानों की जो डिमांड है वो मुझे लगता है जेन्युइन है, हर एक पार्टी, किसान भी जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी राजनीतिक हैं, पहले भी जो कांग्रेस के टाइम में आंदोलन होते थे उसमें भी राजनीतिक करते थे, तो अपोजिशन का काम तो है कि वो तो करेगी, इसमें भी करेगी, उसमें भी करेगी, लेकिन किसानों की मांग जायज है, उसको मान लेना चाहिए सरकार को, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है,
दिनेश जी। मैम जो किसानों की बात चल रही है एक एमएसपी के रिगार्डिंग, एक मैं कुछ अपना कुछ योगदान देना चाहूंगा। जो ये एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हम एक बार दूसरे सेक्टर को से भी समझते हैं। जैसे हमारे कंट्री में मिनिमम वेजेज एक्ट है कि ये सभी के लिए एक हर ईयर में एक मिनिमम वेजेज एक्ट निकलता है, उसके बाद डीसी रेट होते हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस होते हैं उनमें डीसी रेट से सैलरी डिस्बर्स होती है। तो उसमें जो मिनिमम वेजेज एक्ट है वो एरिया वाइज जो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, उनके लिए बांटी हुई होती है कि उनको उनका भी मिनिमम है, उससे यदि कोई कम देता है तो वो काफी पेनल प्रोविजंस हैं लेबर एक्ट्स में। इसी तरह से आप देखोगे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रिक्रूट होते हैं उनको भी एक पे स्केल दिया जाता है कि आपको इससे कम नहीं दिया जाएगा, मतलब इससे ऊपर ही दिया जाएगा और उसी ग्रोथ से बढ़ेगा भी। तो जब दूसरे सेक्टर्स में जब मिनिमम इतने कानून के हिसाब से इंप्लीमेंट हुए हैं तो गवर्नमेंट यहां इंसिस्ट क्यों कर रही है कि लेटर हेड पे दे देंगे एमएसपी ये दे देंगे, उस पर ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लेके आ रही, कानून क्यों नहीं बना देती एमएसपी पे? वो बिल्कुल होना चाहिए, वो मिनिमम है ना, मैक्सिमम का कोई थोड़ी ना कह रहा है। मिनिमम का गवर्नमेंट की तरफ से ये एक तरह से मतलब कमी है गवर्नमेंट। ठीक है, आप कुछ सप्रा साहब ऐड करेंगे? आई एम स्पॉटिंग द मूवमेंट ऑफ किसान, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। बेचारे क्या करें यार, 3 महीने से सर्दी में पड़े हुए हैं, कई वहां पे डेथ हो चुकी है, बट गवर्नमेंट बिल्कुल चुपचाप है। इट्स हॉरिबल। अनुराग बख्शी। मैं तो फिर ये कहूंगा सरकार बिल्कुल चिंता करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार इससे अवगत नहीं है या सरकार उनके धरने से अवगत नहीं है या सरकार वो धरना क्यों चल रहा है उससे अवगत नहीं है। सरकार पूरी तरह से चिंतित भी है, अवगत भी है, और सरकार ने जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जो भी सरकार मुनासिब समझेगी वो कदम सरकार उठाएगी। आप थोड़ा दया साहब, ठीक है दया साहब, आप इस बजट में किसानों के लिए सरकार को कितना समर्पित देख रहे हैं? वेल ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसानों के लिए बजट डेडिकेटेड हुआ है या उसको खास विशेष इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको ध्यान दिया गया है। इट सीम्स टू बी जस्ट ए रूटीन, वट एवर रूटीन, उनमें जो अलोकेशन वगैरह बिल्कुल वही आई है। डेफिनेटली एग्रीकल्चर फॉर दैट रीजन मेन लेबर किसान इट रिक्वायर्स अटेंशन, और डेफिनेटली साथ साथ कि उनके ये MSP या वट एवर इट इज, अरे ओवरऑल उसका होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, उसमें इनपुट भी आना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए और सारी चीजें। अब वो कृषि, मैं रूटीन की बात बता रहा, कृषि ज्ञान केंद्र थ्रू आउट कंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका क्या फंक्शनिंग है, क्या मॉनिटरिंग है, कहा दिखा देते वो किसान का ही दूरदर्शन पे बताता हूँ, वो एक एडवर्टाइजमेंट सी आएगी रोजाना वही आएगी, वो ये दिखा रहा है फला नूर जहां वो है ये, अरे आप क्यों पीपल आर फेड ऑफ ऑफ सच थिंग्स, आप इतना स्टेलिंग है स्टेल अप हुआ है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं है। डेफिनेटली ये MSP बेचारे किसान इनकी इसी इन बातों में घिर जाते हैं। बहुत फॉरेन कंट्रीज में देखिए, USA में इतना सब्सिडी दी जा रही है जो कि हमारे यहाँ कहते हैं इनको नहीं सपोर्ट की है, दे आर सपोर्टिंग कनाडा USA वहां पर इतना सपोर्ट इनको सब्सिडी दी जाती है, हमारे यहाँ तो कोई दी ही नहीं जाती उसके मुकाबले में। तो डेफिनेटली किसान की अवस्था दुर्दशा है, उसके लिए डेफिनेटली दे इट रिक्वायर गवर्नमेंट मस्ट पे द इमीडिएट अटेंशन, उनका ध्यान और खासतौर पर रिड्रेसल उनका करना चाहिए। ये कह देना कि वहां पर एलिमेंट आगे एंटी सोशल आगे वो आगे, ठीक है समाज में एक गांव है उसमें सब तरह के आदमी, तो वहां भी हो सकता है कुछ सब तरह के होंगे, परंतु उनकी डिफिकल्टीज या उनका वो उसमें वो बेसलेस नहीं है, वो ठीक है उसमें उनमें सच्चाई है, और दैट मस्ट बी अटेंडेड। ठीक है अनुराग बख्शी। देखिए बार बार हम कह रहे हैं, देखिए किसानों के लिए किसान पेंशन, ये सरकार, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैंने जनरल बात कही है, उसमें कम्बैट करना हो तो आप करिए। उन्होंने बहुत बहुत सीधी बात कही, बहुत छोटे शब्दों में कम शब्दों में कहा कि किसान रिक्वायर अटेंशन, वो अटेंशन दे रहे हैं आप लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसान देश का अन्नदाता है, उसकी चिंता, अन्नदाता छोड़ो, अन्नदाता क्या, उसकी चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसकी पूरी चिंता करती है, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात हो, फसल बीमा योजना की बात हो, किसानों के लिए पेंशन की बात हो, MSP के लिए बात हो, और उनकी उनके लिए और अन्य उनके लिए उपकरण और खाद बीज उपलब्ध कराए जाने उसके लिए सब्सिडी की बात हो, हर क्षेत्र में उनके उनको उनकी उनके रहन सहन को उनके जीवन को कृषि मुनाफे का
सौदा बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार बिल्कुल लगातार प्रयासरत है और प्रयास करती रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आपने चीजें गिनाई वो आप लेकर आए या उससे किसानों को फायदा ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद आज किसान अगर नाराज बैठा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, 3 महीने पूरे होने को आए हैं, पूरी सर्दी ठिठुर कर गिरते पारे में किसान ने काट दिया, आप इन चीजों को नहीं बदल सकते। सर 150 से ज्यादा किसानों की, जब 20-20 24-24 साल के युवाओं की मौत होती है ना, उनके परिवार वालों से जाकर बात करें आप। तेजवीर सिंह जी, अब थोड़ा सा एपीएमसी से हम आगे बढ़ जाते हैं। एपीएमसी पर हालांकि इतनी विशेष चर्चा हुई नहीं, आंदोलन से ही ज्यादा जोड़ दिया हम लोगों ने इसमें। बजट को लेकर अभी तक हमने जो बात की, किसी को गिलास आधा भरा दिखा, किसी को आधा खाली दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही निर्मला सीतारमण ने पिटारा खोला और बजट को पेश करना शुरू किया, बाजार ने इसको हाथों हाथ लिया। हमने ये देखा तेजवीर जी कि कैसे एकदम से उछाल आया, सेंसेक्स में भी उछाल देखने को मिला, बाजार ने सलामी दी एक तरीके से इस बजट को। देखिए बजट का मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, बजट ओवरऑल अच्छा है, बजट है और काफी लोग इसका वेलकम कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छा बजट लाया है मोदी सरकार की, इसमें काफी प्रशंसा लोग कर रहे हैं और आगे भी आपको सुनने को मिलेगा। और सबका आप अपना नजरिया है, कोई किसी नजरिए से देखता है, कोई किसी नजरिए से देखता है, बैलेंस्ड है, प्रैक्टिकल है, बैलेंस है, प्रैक्टिकल है, अच्छा बजट है, अच्छा बजट है। और है। जो मेरी जेब में है वही तो मैं किसी को दे पाऊंगा, उससे ज्यादा कहाँ से दूंगा। बिल्कुल, छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा जो भाई साहब ने कहा कि मार्केट ने अगर इसका स्वागत किया, अगर बाजार में इसका स्वागत हुआ है तो वो इसलिए कि देखिए मार्केट, शेयर मार्केट जो है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को लेकर चलती है। कोई भी आदमी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो आज अगर उसने 10 रुपए का शेयर खरीदा तो वो ये सोचता है कि अभी 15 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, तो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को लेकर मार्केट आगे बढ़ती है। दिनेश देशवाल जी सहमत है आप इनकी बात से? तो बाजार मानता है, अगर बाजार ने स्वागत किया है, सलामी दी है, जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, बाजार को देख के एक मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जब भी बजट आता है इट्स नॉट ए न्यू बजट, एवरी ईयर बजट कम्स आर रहे, एवरी ईयर जो बाजार जो सेंसस है वो रिएक्ट करता है। बट इसमें एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बाजार को रिएक्ट करने में टाइम लगता है, बजट को समझने में, पूरे बिल को समझने में टाइम लगता है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ता है, कभी गिर जाता है, फिर रिकवर कर जाता है, तो वो चीजें तो थोड़ा चलते रहते हैं। तो हम नहीं, नहीं सर देखिए आज की बात कर लेती हूँ, आत्मनिर्भर भारत, कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने से जुड़ी जो घोषणाएं थी उनके चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 459.30 अंक की बढ़त के साथ 14,093.90 अंक पर कारोबार कर रहा है। हाँ जी, दूसरी बात आप देखिए, अभी हमारी ग्रोथ नेगेटिव है 7%, तो भी बाजार कहां 25,000 से 50,000 आ गया। तो यू अज्यूम दैट दिस इज नॉट इंडिकेशन ऑफ द ग्रोथ, ये एक मैनिपुलेटेड भी हो सकता है या कुछ और रीजंस भी होते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकता है ये। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो ये बजट से जो बाजार बढ़ा है वो बिल्कुल बढ़ा है, वो ठीक बढ़ा है, उसका मैं आपको रीजंस भी देना चाहूंगा, क्योंकि जो फॉरेन रेमिटेंस इन्होंने लिबरलाइज किया, उनको उदारीकरण जो बाहर का पैसा आता है उससे हुआ है। हमारे को इस बात को ना बेसिक से थोड़ा सा समझना पड़ेगा रमेश जी, जो जैसे जो इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आप हमारे यहाँ देखिए, हमारे को लोन मिलता, अभी लोन रेट कम हो गए काफी, तो भी 9-10% है। आप फॉरेन में देखिए ये 1-2% है। अब जापान में हमारे मेट्रोबुल्ट ने भी जो लोन दिए वो 1-2% होते हैं, जितनी एमएनसीज हमारे यहाँ पे काम कर रही है उनको पैसा मिलता है 1-2% पर एनम, और हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन है उनको लोन पे पैसा मिलता है 9-14% पर एनम। तो जैसे ही बाहर का पैसा आएगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी और यहाँ से हमारे को बेनिफिट ज्यादा होगा, इसलिए बाजार में चर्चा करता है। ये इट इज ट्रू, ये रूटीन वर्क है, जब भी बजट आता है हर साल वो थोड़ा सा उसमें उछाल आता है। अभी बजट शुरू ही हुआ था, अपने आप उछाल आना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, इट मे बी मैनिपुलेटेड आल्सो। ठीक है सर, 10 में से कितना अंक देंगे बजट को? बजट को आई विल गिव ओनली 4 मार्क्स। 4 मार्क्स, दिनेश जी 7, तेजवीर जी 9। एक किसानों पे रुक रहे हैं आप? यस सर, आप बताएं। आप ही बता दो सर, व्यूज देने के लिए आपको बिठाया ना, मैं तो न्यूज दे रही हूँ, हम तो है ही खबरें विभाग, बताएं। वेल जस्ट 50-50। 5 दे रहे हैं आप, ठीक है सर, आप तो 10/10 देंगे? बिल्कुल देंगे। ठीक है, जनता कितना देती है इस बजट को वो हम आगे पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के